कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा कश्मीर तक जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस पर दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने आपत्ति दर्ज करवाई है। साथ ही भाजपा भी इस मुद्दे पर जमकर तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना, कांग्रेस नेताओं ने दिए अलग अलग तर्क, विधायक लक्ष्मण सिंह ने जताई आपत्ति, भाजपा नेताओं ने भी कसा जमकर तंज। जी हां, ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। नाना पटोले ने भगवान राम और राहुल गांधी की एक ही राशि बताई और वहीं परसादी लाल मीणा ने भगवान राम से भी लंबी राहुल गांधी की यात्रा को बता दिया, जिस पर उन्हीं की पार्टी के दिग्विजय सिंह के भाई और विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के नेताओं में ही घमासान मचा हो तो भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली है, जिसके तहत गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और मंत्री विश्वास सारंग ने एक साथ कांग्रेस पर निशाना साधा। अच्छा, राम के बारे में लक्ष्मण से ज्यादा अच्छा कौन जानता हो? ये कांग्रेस के लोग अपने आप को बदलने पर राजी नहीं है। याद हो आपको, देवकांत बरुआ जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। भारत है, इंदिरा है तो भारत है, भारत है तो इंदिरा जी है। इंदिरा जी तो नहीं है पर भारत तो है। ऐसे ही कमोबेश ये जो चापलूसों की फौज है, जो माननीय लक्ष्मण सिंह जी विधायक जी ने सम्मानित ने बताई है, इनको चापलूसों को सोचना चाहिए। वो केरल के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसी तरह के सवाल उठाए हैं भगवान पर, और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है। ये जो चुनाव के वक्त कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, एक शब्द नहीं हो रहा चारों तरफ से, कोई भगवान से तुलना इनकी कर रहा है। आदमी ही बन जाए पूरे वही पर्याप्त। देखिए, इसी को कहा जाता है रावण का घमंड। कांग्रेस के नेता, दिक्कत यही है कि भगवान क्या तो अनादर करते ही हैं, धर्म का अनादर करते ही हैं, पर उसके साथ साथ अपने नेता और खासकर नेहरू परिवार के सदस्यों का महिमा मंडन भी करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बोली, और लक्ष्मण सिंह जी तो हर समय अपनी बेबाकी के लिए माने भी जाते हैं। ये बात सही है, इससे ज़्यादा धृष्टता और कुछ नहीं हो सकती। भगवान राम से परिकल्पना करना, कल्पना करना, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? और राहुल गांधी को और कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो कि राम की कल्पना, राम की तुलना राहुल गांधी से कर रहा है, उसको कांग्रेस से निकाला जाना चाहिए। कांग्रेस में राहुल गांधी की यात्रा के उत्साह के बीच छिड़े घमासान के बीच भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है, जो कि कांग्रेस की वर्तमान सेहत के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।